हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ मस्ट डू लिस्ट फॉर मई 2018। सर सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये मस्ट डू लिस्ट क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, सर आप जो बोलने वाले हो हम आप पे भरोसा क्यों करें। थर्ड क्वेश्चन ये भी होगा कि सर आप हो कौन, एंड पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं शुरुआत करता हूँ सर मस्ट डू लिस्ट की पहले इस बात से कि मैं हूँ कौन और ये क्या है। सर देखो, सबसे पहली बात मस्ट डू लिस्ट क्या है। सर ये उनके लिए है जिनके पास प्लान ए नहीं है। प्लान ए वो होता है जैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे टीचर से क्लासेस ले रखी हो, प्रवीण शर्मा सर से, प्रवीण जिंदल सर से, और जितने भी बेहतरीन टीचर है सबसे क्लास ले रखी हो और आप एक्सपर्ट हो अकाउंट के, तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कोई अपना प्लान नहीं है और जो बस ये सोच रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से भगवान भरोसे 2018 हमारा मई का निकल जाना चाहिए। सर हम आपकी बात पे कैसे भरोसा करें, तो अब ये सुनो, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, मैं आपको 76 मार्क्स तक दिखा दूंगा इंस्टा पे जो सिर्फ इस मजदूर लिस्ट को करने से आई है। सर हमें तो अभी भी नहीं भरोसा हुआ। सर आपका अकाउंट का जब पेपर हुआ था नवंबर का, उस दिन का शाम का फीडबैक वाला वीडियो भी एक होगा जिसमें मैंने लिखा है व्हाट नेक्स्ट फॉर लॉ, जो भी अगला पेपर था, तो फिर वहां पे बच्चों ने तकरीबन 500 प्लस मैसेजेस ये किए हैं कि सर आपकी लिस्ट में से सारा पेपर आया। ऊपर से मैंने 50 प्लस स्क्रीनशॉट आपके इंस्टा पे शेयर किए हुए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है मैं मेरी मस्जिद लिस्ट क्या होती है। दोस्तों अब जरा इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ ये क्या होती है। सर आपने ना ब्रूसली का नाम सुना होगा। ब्रूसली सर ने एक बात कही थी कि 1 लाख मूव को 1 लाख बार करने से अच्छा है कि आप एक मूव को 1 लाख टाइम करो। समझ में आ रहा है आपको, मतलब बी द एक्सपर्ट वाट एवर यू डू। तो मैं मस्ट डू लिस्ट में आपको आपका जो प्रैक्टिस मैनुअल है, ठीक है, और ये अप्रैल 2016 का एडिशन है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे मैं एक टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दूंगा, उसमें मैं वो शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करते हैं, पहले आप अपनी आईडी बनाना, तब इस लिंक पे क्लिक करना तो ये ओपन होगा। अगर आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो नहीं ओपन होगा। जब आप आईडी बना लोगे तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि भैया कौन से गूगल क्रोम या फिर यूसी ब्राउजर आप क्लिक करोगे, तो ये टेलीग्राम का ऑप्शन देगा, वहाँ से क्लिक करके आप एंटर करोगे। इतना भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ये कहते हैं सर कैसे होगा। फिर मजदूर लिस्ट के बारे में और बातें सुन लो सर। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये आएगा नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है। भैया गारंटी नहीं है, बस ये है आप इसे 5 टाइम करके जाओ, 5 टाइम करके जाओ जो भी मैं प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप ये 5 टाइम करके जाते हो तो मैं आपको 80 प्लस में, 80 के आसपास में, मतलब 76 तो एक बंदा लाया हुआ है, बहुत सारे जिन बच्चों ने ये लिस्ट फॉलो की थी लास्ट एग्जाम में, 90% बच्चों के 60 प्लस मार्क्स सिर्फ इस लिस्ट को करने से आए थे। अब इससे ज़्यादा मैं अपनी क्या बढ़ाई करूँ आपके साथ, ठीक है। तो चलो छोड़ो, अब मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो भी है। और इस क्वेश्चन को शेयर करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगा सर। देखो सर, गॉड 2 टाइप के लोगों को भेजता है, एक वो जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो गलत काम भी करते तो सही हो जाता है। एक मेरे और आप जैसे लोग जो अच्छा काम भी करते हैं ना, तो उसमें कोई पनौती लग जाती है, कुछ गलत हो जाता है। तो इन जैसे लोगों की किस्मत बनी बनाई होती है और ये अपनी किस्मत को फॉलो करते हैं, और मेरे और आप जैसे जो लोग हैं ना वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, ठीक है। अब इस किस्मत खुद बनाने पे भी 2 तरीके होते हैं। जो भगवान ने किस्मत दी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, या फिर भगवान की किस्मत को चैलेंज करो। क्या करो? चैलेंज करो, ठीक है, और बोलो इसकी तरफ गुस्से में देख के, मैं खेलेगा। सिंपल सी बात, ठीक है, मैं खेलेगा इन द सेंस टिल द एंड, टिल द एंड, लास्ट मोमेंट, जो भी आपका लास्ट मोमेंट होगा तब तक हम एक साथ चलेंगे, एक साथ मिलके खेलेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ये 100% शिद्दत से फॉलो कर लेते हो, इसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि कमेंट में बहुत सारे अभी 100 मैसेज ऐसे ही आने वाले हैं, सर ये वो फलाना ढिंका, नहीं, एक ही बात कहूँगा, अगर आप 5 टाइम करके जाते हो, अगर आप इसे 100% ऑनेस्टी से करोगे लिस्ट को, जो भी मैं प्लान आपसे बोल रहा हूँ करने का नहीं करने का, अगर आप ये करते हो
तो मैं आपको 80 प्लस की गारंटी दे सकता हूँ अगर आप 5 टाइम करते हो। 3 टाइम करोगे तो भैया 60 प्लस आएंगे, 1 टाइम करोगे तो ये होगा कि हाँ पेपर में आप परेशान नहीं होगे। तो जितनी बार ज्यादा करोगे, 5 टाइम लिख के दे रहे हो तो मैं आपको एग्जामिशन की गारंटी आपको देता हूँ कि भैया आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बातें बहुत हो गई, जरा काम की बात करते हैं। सर सबसे पहले सर मैं चैप्टर नंबर 2 से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में एक तो भैया एक है आपकी यूनिट 1, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाने के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4। फिर भैया इसमें एक यूनिट नंबर 2 आपकी आती है, यूनिट नंबर 2 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिलोंग करती है। इसमें सर क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11, 13, 14। सर अब इसकी ट्रिक सुन लेना, ट्रिक जब आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो, जब आप इसको फर्स्ट टाइम करोगे ये सारे क्वेश्चन 100% लिख के सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टाइम में इसके 50% सॉल्व करने हैं, 50% इन द सेंस इसमें से कोई भी 3 कर लेना, कोई भी 3 जो आपको ठीक लग रहे हैं, जो आपको टफ लग रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम में दिक्कत कर रहे हैं वो। फिर जब एग्जाम की लास्ट डेट होगी तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लिख के सॉल्व करने हैं, आपका काम हो जाएगा। आपके सीए में फेल होने की वजह ये नहीं होती कि आप मेंटली वीक हो, इसलिए फेल होते हो आप क्योंकि आपको गाइडेंस सही नहीं मिलता। अभी मजेदार बात बताऊं, ये लिस्ट मैंने आज डाली है, आज आपका 26 फेब है। अरे सर अप्रैल तक देखना, इस लिस्ट की आपको 100 कॉपियां मिल जाएंगी अलग अलग चैनल पे अलग अलग नाम से, और सब कहेंगे भैया हमने बनाई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेन मकसद तो आपका पास होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको इतना शॉर्ट शॉर्ट करके दूंगा कि आप एग्जाम वाले दिन 20 से 30 क्वेश्चन 24 घंटे में निपटा के चले जाओ, आप पास हो जाओगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन तो हमेशा करने हैं, हमेशा, चाहे फर्स्ट रिवीजन हो, सेकंड रिवीजन हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। इन 5ों में पहले रिवीजन में 100% करना है, सेकंड में 50% करना है, उसके बाद कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम टाइम में सॉल्व कर लेने, आपका काम बन जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद हम आते हैं अगला टॉपिक जो हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में आपका है भैया प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ऐसे ही कुछ नाम है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। सर इसकी खास बात क्या है, फर्स्ट रिवीजन में 100% करोगे, सेकंड रिवीजन में 100% करोगे, थर्ड रिवीजन में 50%, कोई भी 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोई भी 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, और लिख के करने, मैं पहले बोल रहा हूँ 50% लिख के करने हैं, 50% ऑडिट करने हैं, इसमें 100% लिख के करने हैं। जब एग्जाम तक पहुंचोगे तो 50% में इतने आपकी शिद्दत आ जाएगी कि भैया आप बाप बन जाओगे इस चैप्टर के। उसके बाद भैया चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है सर वो है बोनस से रिलेटेड। बोनस, बोनस में सर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, ये 3 क्वेश्चन करने हैं बस। और इसमें भी फर्स्ट रिवीजन में 100%, सेकंड रिवीजन में 100%, थर्ड रिवीजन में 50% लोगे तो भी चलेगा। 5 टाइम रिवीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फोर्थ एंड फिफ्थ में आपको क्या करना है मैं बता दूंगा अभी, इसमें बस रिवाइज करना है, ऑडिट कर लोगे तो भी चलेगा, कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो भी चलेगा। दिस इज 4 एंड 5, ये स्पीड और ये कमांड आनी चाहिए कि भैया आप 10 से 15 घंटे के अंदर पूरा अकाउंट रिवाइज कर दो, वो स्पीड और वो लेवल में ला के दे रहा हूँ आपको मजदूर लिस्ट के थ्रू। उसके बाद सर चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, ये है सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8, बस ये 3 क्वेश्चन कर लो आपका काम बन जाएगा। सर फर्स्ट रिवीजन में 100%, सेकंड रिवीजन में 100%, थर्ड रिवीजन में 50%, फोर एंड फिफ्थ रिवीजन में कोई भी एक क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे आपका काम हो जाएगा। बट लिख के करना है, मैं पहले कह रहा हूँ ऑडिट टेक्निक नहीं लगानी है। आई रियली से एंड विथ ऑनेस्टी से डू विथ रिटन प्रैक्टिस, 50 मतलब 50% लिख के 50% ऑडिट, इसमें एक यानी एक लिख के करना है, बाकी का ऑडिट कर लो चलेगा। उसके बाद सर जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, तो वो है आपका अमल कमीशन का टॉपिक। अमल कमीशन में कितने क्वेश्चन है सर सुन लो, थोड़े से ज्यादा है, 4, 5, 7, 11, 13, 16। फर्स्ट रिवीजन 100%, सेकंड रिवीजन 50%, थर्ड रिवीजन 50%, फोर एंड फिफ्थ में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से आप कोई भी
दो से तीन क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा चैप्टर ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए सर, अब बात करते हैं आपका चैप्टर 7। सर जो चैप्टर 7 है वो बात करता है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट के बारे में। इसमें थोड़े से चैप्टर में मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं क्योंकि बहुत इजी इजी है। ओवरऑल 2 to 4 आवर्स में आप इसे रिवाइज कर सकते हो, इतना इजी टॉपिक है। अगर आप फुल लिख के भी कर रहे हो तो यूनिट 1 में सर आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 11, 8। सर चैप्टर बहुत इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए इतनी दे रहा हूँ मैं क्योंकि इस बार जो मई 18 का एग्जाम आने वाला है, यहाँ से आप 4 to 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी फुल प्लानिंग है, आप परेशान मत हो, आप बस फॉलो करो। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपको करने हैं। और सर इसका क्या है, जब आप फर्स्ट रिविजन करोगे 100%, सेकेंड रिविजन करोगे इसमें 50% रखना है, और इस वाले में 100% सॉल्व करने लिख के, और फिर जब थर्ड रिवीजन में आओगे तो दोनों में 50-50 खेल लेना यूनिट में। और फोर्थ एंड फिफ्थ में भैया इसमें तो आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है, और इसमें आपको ओवरऑल कोई भी 2 से 3 क्वेश्चन कर लेने, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो लेवल ला के दे रहा हूँ। फिर उसके बाद भैया चैप्टर नंबर 8 आता है आपका। चैप्टर 8 है भैया सेल्फ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सर ये क्या है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वो है सर क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13, 9, 5, 4। सर इसमें से आपका 5 मार्क का एक क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बुरा नहीं मानना, और ये मत बोलना कि आप एग्जाम पेपर सेट कर रहे हो, एक्सपीरियंस है भाई, खुद मैंने अकाउंट में एग्जामेशन ले रखी है तभी आपको ये गेम सिखा रहा हूँ कैसे खेलते हैं। बस प्ले सेफ खेलो, मेरे साथ खेलो, जो कह रहा हूँ वो करते जाओ। सर फर्स्ट रिवीजन में 100%, सेकेंड रिवीजन में 50%, थर्ड रिवीजन में 50%, और इसमें से आपको देख रहे हो टोटल 6 क्वेश्चन है। तो जब आप फोर्थ एंड फिफ्थ रिवीजन का गेम खेलोगे तो ऑब्वियसली 2 से कोई भी 3 क्वेश्चन कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है आपका एनपीओ। एनपीओ में क्वेश्चन नंबर सर 4, 8, 10, 12, 13, 15। अब इसकी बात देखो सर, ओवरऑल 6 क्वेश्चन है, अगेन वही प्रायोरिटी, पहले 100%, सेकेंड टाइम 50%, थर्ड टाइम 50%, और फोर्थ एंड फिफ्थ में वही कहूँगा 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये लास्ट डे ऑफ एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं आपके, फोर्थ एंड फिफ्थ का मतलब। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका एनपीओ। अब सर चैप्टर 10 की बात करते हैं तो ये आता है सिंगल एंट्री। सर सिंगल एंट्री की जब बात करोगे आप तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे करो क्वेश्चन नंबर 18, 15, 14, 11, 8, 7, 5। सर ये कितने क्वेश्चन दे दिए आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट रिवीजन 100% क्वेश्चन, सेकंड रिवीजन 50% क्वेश्चन, थर्ड रिवीजन 50% क्वेश्चन, एंड वही फोर्थ एंड फिफ्थ रिवीजन पे जब आप पहुंचोगे तो आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। फिर बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 11 की। हायर परचेज का है ये, इसमें सर प्रैक्टिस मेनू में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 ये करने हैं, प्लस स्टडी मेट में भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 6 करने हैं इलस्ट्रेशन वाले। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मुझे अभी करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे बताऊंगा बता रहा हूँ। आप जब अभी मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, इस वाले को रहने दो, इसमें मैं थोड़े से क्वेश्चन ऐड करूंगा स्टडी मैट के, और मुझे श्योरिटी है इस एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 इनके बीच में एक क्वेश्चन इसका मिलना चाहिए आपको। ठीक है सर, मिलना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी देखते हैं अब ऊपर वाले ने चाहा और नहीं चाहा उसके ऊपर देखते हैं क्या होना चाहिए। वैसे जो मैं बता रहा हूँ 2 और 4 प्रैक्टिस में उनका, स्टडी मेट के मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा और वो मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। और टेलीग्राम का है ये, तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके आईडी बना के तब क्लिक करना, अदरवाइज ऐसे इनवैलिड दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद
अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। सर ये चैप्टर 12 क्या है? सर चैप्टर 12 है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन 9, 6, 5 एंड 2। भैया फर्स्ट रिवीजन 100%, सेकंड रिवीजन 100%, थर्ड रिवीजन 100%, फोर एंड फिफ्थ में कोई भी दो क्वेश्चन कर लोगे चलेगा। सर इसमें से आने वाला है क्या क्वेश्चन? यस, इसमें आपका 3, 4, 5 इनमें से और 6, 3, 4, 5 में से इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क का आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन जा रही है। और प्लीज अब आईसीआई को जाके मत बोल देना ये बंदा ऐसे बोल रहा है। खुशियां मनाओ यार, ठीक है। ओके, उसके बाद चैप्टर 13 है आपका इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 11, 13 एंड 14। सर ये क्या है? इसमें से कितना करना है? फर्स्ट रिवीजन 100%, सेकेंड रिवीजन में यहां से एक क्वेश्चन कर लेना और यहां से कोई भी दो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये सेकेंड रिवीजन में बता रहा हूँ। सेकेंड एंड थर्ड में यही करना है, इन दोनों में से कोई एक, और थर्ड रिवीजन में इन तीनों में से कोई दो। ठीक है, एक और दो, यानी ओवरऑल 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको। और वही फोर्थ एंड फिफ्थ में सेम, कोई भी इन दोनों में से एक कर लेना, इन दोनों में से दो कर लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्टनरशिप अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 10, 17, 18, 19 एंड 15। सर कितने क्वेश्चन बता दिए आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 प्रॉब्लम्स दिए आपको। फर्स्ट रिवीजन में 100% सॉल्व करना है रिटर्न, सेकंड में 50 कर दो, थर्ड में 50 कर दो, फोर्थ एंड फिफ्थ में ओवरऑल कोई भी 2 से 4 क्वेश्चन कर लो, आपका 100% रिवाइज हो जाएगा। सर अब कुछ बातें जो नॉर्मल डाउट आएंगे। भैया एडिशन, एडिशन के लिए मैंने आपसे बोल दिया अप्रैल 16 है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। दूसरी बात, जो भी वीडियो का लिंक मुझे मिलता रहेगा अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना। थर्ड हायर परचेज का कब तक दोगे? 2-4 दिन के अंदर डाल दूंगा हायर परचेज का, 3 इलस्ट्रेशंस फ्रॉम स्टडी मैट। ठीक है, उसके बाद सर ये कौन से वर्जन के लिए आपने बताया, ओल्ड या न्यू? सर ये ओल्ड वालों के लिए है। न्यू वाले अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, इस ओल्ड के क्वेश्चंस का नंबर और क्वेश्चन का रीडिंग करके न्यू में सिलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। सर न्यू की कोई लिस्ट दोगे? मेरा आंसर है नो, अभी नहीं। ये 2018 मेरा 100% डेडिकेशन है ओल्ड वालों के लिए। उसके बाद 2019 से मैं बाउंस बैक करूँगा आपके न्यू सिलेबस के लिए। ठीक है, उसके बाद बाकी भरोसा करके देखो, अब तक जिसने किया है वो पास हुआ है, चाहे सीए में हो, चाहे सीएस हो या सीए हो, सब में प्रिडिक्शन कर रखी है मैंने, बहुत तो लाइव है, सबका पास भी करवा के दिखाया है। और मेरी एक गारंटी होती है, और गारंटी इन द सेंस भगवान का आशीर्वाद कह लो, कि भैया जो मुझ पर अपना 100% देता है मैं उसे अपना 100% देता हूँ, फिर चाहे जमाना भी उसका 50% करता है ना, तो रिजल्ट मेरा 100% ही रहता है। आपका ट्रस्ट कितना है, आपका हार्डवर्क कितना है, ये डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कैसा है। और एक ही चीज़ कहूँगा सर, टिल दी एंड, टिल दी एंड, आपको यही कहना है, मैं खेलेगा एंड डेफिनेटली मैं खेलेगा। सर क्वेश्चन कॉस्ट एफएम की लिस्ट कब आएगी? सर 10 से 15 मार्च का टाइम दीजिए, कॉस्ट एफएम भी शेयर कर दूंगा। सर और कौन सी लिस्ट डालोगे? सर एडवांस अकाउंट, बस ये 3 ही लिस्ट डालूंगा सर मैं। पहली आपकी अकाउंट की हो गई, कॉस्ट एफएम की हो गई, एडवांस अकाउंट की हो गई, 3 ही सब्जेक्ट। बाकी सब हाँ, डीटी एंड जीएसटी की भी डालूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पक्का डालूंगा, वेट करो सही समय का, सब मिलता जाएगा। और 100% डेडिकेशन के साथ लग जाओ भाइयों, क्योंकि ये मैं अटेम्प्ट, कोई पास करे या ना करे, तेरा भाई जरूर करेगा, याद रखना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको लगे कि इस लिस्ट को करने के बाद थोड़ा सा एंजॉय आ रहा है, वैसे अब तक तो सबको आया है और कॉन्फिडेंस भी आया है, अगर आपको लगे, रियल में लगे, तो भगवान के नाम पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। जिंदगी में अगर 10 सेकंड भी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे भी चेहरे पे स्माइल आ जाएगी आपकी, और मेरी वजह से आपके चेहरे पे स्माइल, आपकी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल, दोनों भाई मिलके खेलेंगे। ठीक है, टिल द एंड ऑफ एग्जाम, विनीत मिश्रा आपके साथ है, ये आपका चैनल सीए ड्रीमर्स द एडवेंचर, मैं आपका होस्ट और आप सबका दोस्त, हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा काम और मेरा पैशन
आपको पास करवाना है और आपका काम अपने मम्मी पापा के लिए टिल दी एंड, टिल दी एंड, शरीर लड़े ना लड़े, दिमाग काम करे ना करे, लेकिन दिल की हर धड़कन पे आपका नाम होना चाहिए, मैं खेलूंगा और मैं पास करूंगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।